हेलो फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीसी के वीडियोस में हम पार्ट 14 सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स ये कर रहे हैं, जिसमें आर्टिकल्स 308 से लेके 323 तक हैं। और आपको इसका नोट्स चाहिए तो एक एफबी पेज है, fb.me/पद्मिनी क्लासेस, इसमें मिलेगा आपको। ठीक है, आर्टिकल 312 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया, आर्टिकल 313 आज करेंगे। देखते हैं इसमें क्या है। इट्स अबाउट ट्रांजिशनल प्रोविजंस, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले के जो भी प्रोविजंस हैं और आगे के बनने के बाद इस पब्लिक सर्विस कमीशन्स के बारे में जो भी प्रोविजंस हैं, वो चलेगा नहीं चलेगा, पुराने ख़त्म होते हैं, वो क्या हैं, उसके बारे में है। अनटिल अदर प्रोविजन इज मेड इन दिस बिहाफ अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल द लॉज इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन and applicable to any public service or any post which continues to exist after the commencement of this constitution as an all India service or as service or post under the union or a state shall continue in force so far as consistent with the provisions of this constitution. इसमें कुछ नहीं है, पुराने जो भी पोस्ट हैं ऑल इंडिया सर्विस में हो सकते हैं, स्टेट सर्विस में हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले के, आगे भी अगर वो पोस्ट्स कंटिन्यू होते हैं तो पुराने जो भी लॉस हैं वो भी कंटिन्यू होगा जब तक नया प्रोविजंस नया लॉस नहीं बनेंगे। पॉसिबल क्वेश्चंस, कैन वी से दैट टिल न्यू लॉस आर मेड ओल्ड लॉस विथ रिस्पेक्ट टू द ऑल इंडिया सर्विसेज और द स्टेट सर्विसेज कंटिन्यू इवन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? यस, लेकिन कब तक कंटिन्यू होगा? जब तक नया प्रोविजन्स नहीं बनेंगे। आर्टिकल 314 ये रिपील हो गया, ठीक है। आर्टिकल 315 इट्स अबाउट पब्लिक सर्विस कमीशन्स फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स। तो UPSC, स्टेट PSC ऐसे बोलते रहते हैं, तो उनके बारे में है ये। ये रिपीट क्वेश्चन है, पब्लिक सर्विस कमीशन्स कौन से आर्टिकल से हैं ऐसे भी पूछते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल देयर शैल बी ए पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड ए पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट। ये सिंपल है, इसमें लिखा है कि एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा और हर स्टेट के लिए एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा इस आर्टिकल के तहत। पॉसिबल क्वेश्चंस, कैन वी से दैट ऑल इंडिया सर्विसेज रिक्रूटमेंट is done through UPSC and state services recruitment through state public service commissions? बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट, टू और मोर स्टेट्स में एग्री दैट देर शैल बी वन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर दैट ग्रुप ऑफ स्टेट्स एंड इफ ए रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास्ड बाय द हाउस और वेयर देर आर टू हाउसेस फॉर ईच बाई ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ दोज स्टेट्स, पार्लियामेंट मे बाई लॉ प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रिफर्ड टू इन दिस चैप्टर एज जॉइंट कमीशन। जैसी बोल सकते हैं शॉर्टकट के लिए, टू सर्व द नीड्स ऑफ दोज स्टेट्स। अगर दो तीन चार कुछ भी स्टेट्स अगर समझते हैं कि हम सब मिलके एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन हम लोगों का काम करेगा, तो उस तरह से रिजोल्यूशन पास करेंगे अपने अपने स्टेट लेजिस्लेचर में और उसके बाद इनके रिजोल्यूशंस के बाद पार्लियामेंट लॉ बना सकती है कि इन दो तीन चार स्टेट्स के लिए एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रहेगा। पॉसिबल क्वेश्चंस, इफ टू और मोर स्टेट्स विशेस सो दे कैन हैव अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बाय पासिंग ए रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इन देयर रेस्पेक्टिव लेजिस्लेचर्स। ट्रू और फॉल्स? ट्रू है। रेजोल्यूशन के बाद पार्लियामेंट लॉ बनाएगी उसके बारे में। 3, एनी सच लॉ एज अफोर्सेड मे कंटेन सच इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस। इंसिडेंटल मतलब आगे कुछ कैसे कैसे हो सकता है, वो सब गेस करके कोई प्रोविजंस बनाना, कॉन्सिक्वेंशियल भी ऑलमोस्ट वही है, एज मे बी नेसेसरी और डिजायरेबल फॉर गिविंग इफेक्ट टू द पर्पसेस ऑफ लॉ। तो ये दो तीन स्टेट्स मिलके बनाए, इसलिए अपने बेनिफिट के लिए प्रोविजंस डाल सकते हैं वो। पॉसिबल क्वेश्चंस, सच जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन लॉस मे इंक्लूड प्रोविजंस बेनिफिशियल टू ऑल द स्टेट्स इन्वॉल्व। ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सही है, सबको फ़ायदा होना चाहिए, ऐसे लॉस वो खुद बना सकते हैं। 4, द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन इफ रिक्वेस्टेड सो टू डू बाय द गवर्नर ऑफ ए स्टेट मे विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट एग्री टू सर्व ऑल और एनी ऑफ द नीड्स ऑफ द स्टेट्स। तो जिस तरह से दो तीन स्टेट्स मिलके एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकते हैं पार्लियामेंट के
लॉ पार्लियामेंट से लॉ बनवा के, उसी तरह से यूपीएससी भी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी, अगर कोई स्टेट का गवर्नर रिक्वेस्ट करते हैं तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेके उस स्टेट का सर्विसेज भी ये कर सकती हैं, मतलब उस स्टेट का रिक्रूटमेंट्स भी यही करा सकती हैं यूपीएससी। पॉसिबल क्वेश्चंस, हु शुड रिक्वेस्ट यूपीएससी ऑन बिहाफ ऑफ अ स्टेट टू मैनेज रिक्रूटमेंट्स इन टू पब्लिक सर्विस ऑफ दैट स्टेट गवर्नर। After receiving a request from the governor, whose approval does the UPSC seek before accepting the request? President ka. So next, references in this constitution to the Union Public Service Commission or a state public service commission shall, unless the context otherwise requires, be construed, matlab understood, as references to the commission serving the needs of the union or, as the case may be, the state as respects the particular matter in question. इसका मतलब कुछ नहीं है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ जहाँ यूपीएससी लिखते हैं उसमें हमें समझना चाहिए कि ये ऐसे सर्विसेज के बारे में, यूनियन के सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है तो यूनियन के सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जिक्र होता है स्टेट सर्विसेज के बारे में बात हो रही है, ये हमें समझना चाहिए। पॉसिबल क्वेश्चन, कैन वी से दैट यूपीएससी सर्व्स द नीड्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट पीएससी सर्व्स द नीड्स ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। बिल्कुल सही है, ये समझना चाहिए, ये बात यहाँ बताया। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 316, अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता रहता है यूपीएससी के मेंबर्स का कितना टेन्योर है, कितने साल, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 4 ईयर्स, ये हमेशा 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 आता है। तो फर्स्ट पॉइंट, the chairman and other members of a public service commission shall be appointed in the case of the union commission or a joint commission by the president, and in the case of a state commission by the governor of a state. तो possible question, who appoints the following? यूपीएससी के chairman को कौन appoint करते हैं? President. कोई joint commission है तो उसके chairman को president, state public service commission के chairman को governor, याद रखना है। Provided that as nearly as may be, one half of the members of every public service commission shall be persons who, at the dates of their respective appointments, have held office for at least 10 years, either under the government of India or under the government of any state, and in computing the set period of 10 years, any period before the commencement of this constitution, during which a person has held office under the crown in India or under the government of an Indian state shall be included. तो कुछ नहीं है, member के लिए कम से कम, members में कम से कम आधे members का 10 ईयर्स का सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में, या अगर कॉन्स्टिट्यूशन से पहले से ही काम कर रहे थे, या तो क्राउन के अंडर या वहाँ के उस टाइम के कोई स्टेट के अंडर 10 ईयर्स का सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस होना चाहिए आधे मेंबर्स के लिए कम से कम। तो पॉसिबल क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ पब्लिक सर्विस इज नीडेड टू गेट अपॉइंटेड एज यूपीएससी और स्टेट पीएससी मेंबर्स? सारे मेंबर्स के लिए नहीं, कम से कम आधे मेंबर्स को 10 ईयर्स का पब्लिक सर्विस होना चाहिए। 1A, इफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कमीशन बिकम्स वैकेंट, खाली होता है तो, और इफ एनी सच चेयरमैन इज बाय रीजन ऑफ एब्सेंस, तो कोई भी रीजन से वो ऑफिस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं अपने ड्यूटीज, तो और फॉर एनी अदर रीजन अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, कोई भी रीजन से वो अपना काम नहीं कर पा रहे थे तो, दोज ड्यूटीज शैल अंटिल सम पर्सन इज अपॉइंटेड अंडर क्लॉज वन। क्लॉज वन मतलब प्रॉपरली रूल्स देख के जब तक अपॉइंट ना करें प्रेसिडेंट की तरफ से, टू द वेकेंट ऑफिस हैज़ एंटर्ड ऑन द ड्यूटीज देयर ऑफ, और एज द केस में भी, अंटिल द चेयरमैन हैज़ रेज्यूम्ड हिज ड्यूटीज बी परफॉर्म्ड बाय such one of other members of the commission as the president in the case of union commission or a joint commission, and the governor of the state in the case of a state commission may appoint for the purpose. Agar UPSC ke ya state PSC ke chairman koi bhi reason se kaam nahi kar pate hain, attend nahi kar pate hain duties, to unke commission ke koi aur member karenge president. Agar UPSC hai to president appoint karenge, aur state PSC hai to governor appoint karenge. टेम्पररीली मतलब एक्टिंग चेयरमैन्स सिर्फ एक्ट करेंगे जब तक ओरिजिनल चेयरमैन वापस ना आए। पॉसिबल क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स एनी मेंबर ऑफ यूपीएससी और स्टेट पीएससी एज एक्टिंग चेयरमैन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एब्सेंस ऑफ चेयरमैन फॉर व्हाटसोएवर रीजन, कोई भी रीजन से
छुट्टी चले गए, बीमार हो गए, कुछ और रीज़न हो गया, कोई भी रीज़न है नहीं आ पाते हैं, तो प्रेसिडेंट यूपीएससी के जॉइंट कमीशन के कोई भी मेंबर को चेयरमैन का काम करने के लिए बोलेंगे और गवर्नर स्टेट पीएससी के कोई भी मेंबर को वहाँ के चेयरमैन का काम करने के लिए बोलेंगे। टू, ये मेंबर ऑफ़ ए पब्लिक सर्विस कमीशन शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछते हैं 6 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। ये 6 ईयर्स कब से काउंट है, जिस दिन से वो ज्वाइन करते हैं, और विच ही एंटिल ही अटेंड्स इन द केस ऑफ ए यूनियन कमीशन द एज ऑफ 65 ईयर्स एंड इन द केस ऑफ ए स्टेट कमीशन और जॉइंट कमीशन द एज ऑफ 62 ईयर्स विच एवर इज एरियर। तो क्वेश्चन से आसानी से समझ आएगा, वॉट इज द टेन्यूर ऑफ ए मेंबर ऑफ यू पी एस सी, 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स, जब तक उनको 65 ईयर्स नहीं आएंगे, इन दोनों में कोई भी विच एवर इज एरियर, जो पहले होगा तब। वॉट इज द टेन्यूर ऑफ ए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट कमीशन मेंबर, 6 ईयर्स और अप टू 62 ईयर्स विच एवर इज एरियर्स, इन दोनों में कौन सा पहले हो जाए तब वो रिटायर हो जाएंगे। तो प्रोवाइडेड दैट ए मेंबर ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन may by writing under his hand addressed in the case of a union commission or a joint commission to the president and in the case of a state commission to the governor of a state resigns his office। ये लोग अपना membership से resign भी कर सकते हैं, ये तो retirement की बात हो रही है, यहाँ बाद में अब resign भी कर सकते हैं, अगर UPSC के या joint commission के हैं तो president को दे देंगे अपना hand written resignation, अगर state commission के members हैं तो गवर्नर को दे देंगे। टू होम डज ए मेंबर ऑफ यूपीएससी और जॉइंट कमीशन एड्रेस देर हैंड रिटन रिजिग्नेशन, प्रेसिडेंट। टू होम डज ए मेंबर ऑफ स्टेट पीएससी एड्रेस हिज हैंड रिटन रिजिग्नेशन, गवर्नर। ये हैंड रिटन रिजिग्नेशन, हैंड रिटन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बी, टाइप रिटन, कंप्यूटर रिटन ऐसा करके आ जाता है इसलिए। बी, ए मेंबर ऑफ ए पीएससी मे बी रिमूव्ड। तो सबसे पहले यहाँ रिटायरमेंट की बात, फिर यहाँ रेजिग्नेशन की बात, या फिर यहाँ रिमूवल की बात। ये मेंबर ऑफ ए पीएससी मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज 1 और क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 317। ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक ये सस्पेंस रहेंगे। 3, ए पर्सन हु होल्ड्स ऑफिस एज अ मेंबर ऑफ ए पीएससी शैल ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म ऑफ ऑफिस बी इनएलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस। तो एक बार कोई मेंबर बन गए और अपना टर्म भी कंप्लीट किया तो उसके बाद उसी पोस्ट के लिए वो दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। तो पॉसिबल क्वेश्चन, ए मेंबर ऑफ यूपीएससी जॉइंट कमीशन स्टेट पीएससी आर नॉट रीअपॉइंटेड टू दैट ऑफिस, राइट और फॉल्स? बिल्कुल सही है। देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ यूपीएससी। फर्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ द यूपीएससी हैज़ बीन लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इज नॉट मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी के लेसन में हमने देखा कि यूपीएससी में आधा मेंबर्स क्या 10 ईयर्स गवर्नमेंट सर्विस होना चाहिए बोल रहे थे, लेकिन कितने मेंबर्स होंगे ये नहीं बता रहे थे क्लियरली। तो ये बिल्कुल सही है। तो सेकेंड, मेंबर्स ऑफ द कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स विच ऑर इज एरियर। ये 5 ईयर्स वाला गलत है, 6 ईयर्स है अभी अभी हमने देखा, तो ये गलत है। तो इनमें से कौन सा आंसर है? ओनली वन, ठीक है। कल के होमवर्क में ये पूछा कि यूपीएससी का हेड को क्या बोलते हैं, चेयरमैन। कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। कितना टेन्यूर है? 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स। ये सब आज के लेसन में आ गया। तो आज का होमवर्क है, करंट यूपीएससी चेयरमैन का नाम बताइए। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।